नमस्ते अपने एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप मस्त होंगे। और आप लोगों का स्वागत है सोनू पहाड़ी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं और मैं परसों यहाँ 3 दिन हो गए मेरे को देहरादून आए हुए। तो मैं 9 तारीख को यहाँ देहरादून आ गया था और कल सुबह तो पूरा मौसम ख़राब था, ऐसा लग रहा था अभी बारिश आ जाएगा। बोलो, थोड़ा सुबह बारिश आई, उसके बाद दिन में तो मौसम बिल्कुल साफ हो गया था। और अभी बाहर मस्त वाली धूप लग गई और थोड़ा ऊपर छत में चलते हैं, वहाँ से चारों ओर का व्यू देखते हैं उधर से। ऊपर छत में आ गया हूँ और आप लोग के ऊपर वाले छत में जाके चारों ओर का व्यू दिखाता हूँ। वहाँ से बहुत मस्त दिख रहा है यहाँ से व्यू। दोस्तों, यहाँ से माखमपुर का फ्लाई ओवर दिखाई दे रहा है और सामने गाड़ी चल रही है वहाँ पे। और अभी टाइम शाम के 4 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं मार्केट। तो मार्केट में थोड़ा मेरा काम है और मोबाइल का जो टेम्पल था वो भी टूट गया। तो जब से मैंने मोबाइल लिया, चौथी बार चेंज कर रहा हूँ मोबाइल का टेम्पल। और उधर ही मार्केट में सरस मेला भी लग रखा, तो देखते हैं थोड़ा मेला भी घूम कर। और अभी हम लोग तैयार हो गए और जाने लग गए अभी मार्केट। सुबह तो मौसम पूरा साफ था, अभी आसमान में दिखाई दे रहा है। ये सामने पे रोड के डीप साइड सरस मेला लग रहा है वहाँ पे। तो यहाँ से ये है सामने गेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिख रहा सरस मेला 2022। तो ये अंदर लग रहा सरस मेला, तो बहुत सारे दुकानें खुल रही है यहाँ पे। अभी हम लोग मार्केट से वापस जाने लगे और अभी टाइम 5:30 हो रहा। तो दोस्तों, अभी रात के 8:30 बज रहे और यहाँ से रात का व्यू बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है सामने का। आजकल यहाँ माखमपुर में रामलीला भी हो रहा, तो रामलीला का स्टार्टिंग परसों हुआ था, तो आज 3रा दिन है रामलीला का। तो दोस्तों, आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। तो आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में।